आप देख रहे हैं भारत फोकस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। दिल्ली हिंसा के यूट्यूब का एक वीडियो वायरल हुए, लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको भी दहला कर रख देगा। दिल्ली के दंगों में डीसीपी अमित शर्मा को कैसे जान से मारने की कोशिश हुई, हेड कांस्टेबल रतन लाल कैसे शहीद हुए, इस वीडियो को देखकर आपको उस खौफनाक मंजर का अंदाजा जरूर लग जाएगा। वीडियो दिल्ली के चांदबाग में 24 फरवरी का है, जिसमें एक तरफ महिलाएं, दूसरी तरफ जानलेवा भीड़ और बीच में चंद पुलिस वाले साफ दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी जगह पर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल को भीड़ ने घेर कर मारा था। उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया था, यहां तक कि उन्हें गोली मारी गई थी। बता दें कि इस पॉइंट को डीसीपी अमित शर्मा लीड कर रहे थे और उनके साथ बहुत कम संख्या में पुलिस बल था। सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया था। इस वीडियो में पुलिस पर महिलाएं भी हमला करते दिख रही हैं। हमला कर रही भीड़ के बीच पुलिसकर्मी फंसे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर भीड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को बुरी तरह से पीटा था और उन्हें बचाने के लिए प्रयास में हवलदार रतन लाल शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस। दिल्ली हिंसा का ये भयावह रूप आपने देखा, जिसकी चपेट में न जाने कितने लोग आए होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।